नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहां इस विशेष समारोह में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज 3 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का आज ये पहला चरण आयोजित हो रहा है। पद्म पुरस्कार से अलंकृत होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू भी शामिल हैं। सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम का नाम भी आज उन विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। अनेकों वर्षों तक जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अनोखी गरिमा प्रदान की है देश विदेश में, श्री एम वेंकैया नायडू देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया, प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं। 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में उनका जन्म हुआ था। 34 वर्षों से ज्यादा समय तक वे विधायक रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी सदस्य रहे और 2017 से 2022 तक देश के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। सादगी, शासन के प्रति मानवीय व्यवहार, मानवतावादी दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत कही जा सकती है और आज राष्ट्रपति महोदया द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। दरबार हॉल में पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किए जाने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनमें जाने माने पूर्व फिल्म कलाकार मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं, लोकप्रिय सिने अभिनेता रहे हैं। आपके स्क्रीन पर 270 से 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने नायक की भूमिका निभाई। उनकी फिल्में विदेशों में भी खासी लोकप्रिय रहीं। 15 जून 1950 को जन्मे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती। राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है उन्हें, फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका उषा उत्थुप भी आज अलंकृत होने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं। श्री मिथुन चक्रवर्ती आपके स्क्रीन पर बेहद लोकप्रिय सिने अभिनेताओं में जिनका शुमार होता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद हैं दरबार हॉल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य प्रथम पंक्ति में विराजमान, विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारी। पद्म पुरस्कारों से अलंकृत होने वाले इन विशिष्ट व्यक्तियों के परिजन भी आज दरबार हॉल में मौजूद। पृष्ठभूमि में पीछे की पंक्ति में श्री रोहन बोपन्ना मौजूद हैं जो कि टेनिस के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं और आज की तारीख में भी टेनिस कोर्ट पर सक्रिय हैं। रोहन बोपन्ना जिन्होंने 11 साल की उम्र से हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी, अंततः टेनिस का उन्होंने वर्णन किया। डबल्स में दुनिया में नंबर एक खिलाड़ी हैं 44 साल की उम्र में भी। 4 मार्च 1980 की उनकी पैदाइश है। ग्रैंड स्लैम खिताब हो, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, ओलंपिक खेलों में भागीदारी, सब जगह रोहन बोपन्ना ने अपना लोहा मनवाया है। 2002 में उन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया था। 2018 में रोहन बोपन्ना को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया और खास बात यह है कि अभी भी वे टेनिस कोर्ट पर सक्रिय हैं। डबल्स में उनके जोड़ीदार हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं मैथ्यू एब्डन। और आज रोहन बोपन्ना को पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। जो अन्य विशिष्ट विभूतियां यहां पर दरबार हॉल में उपस्थित हैं जिन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, उनमें श्री खलील अहमद शामिल हैं, श्री कालूराम बामनिया, प्रोफेसर
रिजवाना चौधरी बन्या अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान इन सभी विभूतियों ने दिया है और इसलिए उनके योगदान को मानते जानते हुए पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में आरंभ किए गए थे और कुछ अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं और तीन श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों को प्रदान करने का आशय किसी विशिष्ट कार्य को दरअसल मान्यता प्रदान करना है और सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे कि कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दो पद्म विभूषण प्रदान करेंगी। इसके अलावा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। श्री मिथुन चक्रवर्ती, डॉक्टर सीताराम जिंदल, श्री राम नाइक जो कि वरिष्ठ राजनयिक हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल, श्री दत्तात्रेय अंबादास मायालू और राजदत्त, डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं और श्रीमती उषा उत्थुप, ये वो विशिष्ट विभूतियां हैं जिन्हें पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। दरबार हॉल में सभी को उत्कंठा से प्रतीक्षा राष्ट्रपति महोदया के आगमन की। प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, प्रथम परिवार के सदस्य भी। पद्मश्री से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में श्रीमती गीता राय बर्मन का नाम भी शामिल है, श्री सर्वेश्वर बसुमतारी जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, श्रीमती तकदीरा बेगम, श्री जानकी लाल भांड, ये सभी वो शख्सियत हैं जिन्हें आज अलंकृत किया जाएगा। दरबार हॉल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिवादन प्रस्तुत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। पद्म पुरस्कार से पद्मश्री से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में श्री द्रोण भुइया, डॉक्टर नारायण चक्रवर्ती, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर सी आर चंद्रशेखर, प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी, श्री आर एन जो डिक्रूज, श्री गुलाम नबी दार, ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में सिर्फ अपने कर्तव्य को ध्यान में रखा है और उसे ही सर्वोपरि माना है, चाहे वो देश सेवा की बात हो, समाज सेवा की या चिकित्सा की। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आगमन हो चुका है दरबार हॉल में। प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का ये पहला चरण है और चयन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही खास है। चयनित किए जाने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों में लोक सेवा का तत्व होना भी आवश्यक है और खास बात यह है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता नहीं बल्कि
उत्कृष्टता से अधिक योगदान की अपेक्षा की जाती है। पद्म पुरस्कार से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों से और दरबार हॉल में उपस्थित ये सभी विभूतियां पूरी तरह से उन कसौटियों पर खरी उतरी हैं, तभी आज उन्हें इस गरिमामय समारोह में भाग लेने का अवसर मिला है। पद्म पुरस्कार से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में श्री गुरविंदर सिंह का नाम शामिल है, श्री हरविंदर सिंह का भी नाम शामिल है, जो कि हॉकी के जाने माने खिलाड़ी और प्रशिक्षक रहे हैं। 3 ओलंपिक खेलों में उन्होंने शिरकत की। डॉक्टर माया टंडन, डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी, श्री बाबूराम यादव, पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी की कोच रही हैं, उन्होंने पदकों पर निशाना साधना सिखाया है नवोदित खिलाड़ियों को। श्री हेमचंद मांझी, श्री दुखू मांझी, श्रीमती पूर्णिमा महतो का हमने जिक्र किया, श्रीमती किरण नादार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज राष्ट्रपति महोदया द्वारा उन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों के, विभूतियों के परिजन भी आज दरबार हॉल में उपस्थित हैं और उन सभी के लिए एक बड़ा अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये मौका है। उनके योगदान को सार्थकता प्रदान की जा रही है इन पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह के माध्यम से। दरबार हॉल में आगमन हो रहा है देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2024 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए। धन्यवाद महोदय। पद्म विभूषण श्री मुप्पवरपु वेंकैया नायडू, लोक कार्य। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत समाज सेवा, उनकी पत्नी श्रीमती अमोला पाठक।
डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम कला भरतनाट्यम। पद्म भूषण श्री मिथुन चक्रवर्ती कला फिल्म अभिनय। डॉक्टर सीताराम जिंदल समाज सेवा। श्री राम नायक लोक कार्य। प्रोफेसर डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल चिकित्सा कार्डियोलॉजी। श्री दत्तात्रेय अंबादास मायलू उर्फ राजदत्त कला फिल्म निर्माण। डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर चिकित्सा।
श्रीमती उषा उथुप कला गायन। पद्मश्री श्री खलील अहमद कला कालीन बुनाई। श्री सदनम पुत्य विठिल बालकृष्णन कला कथकली। श्री कालूराम बामनिया कला भजन गायन। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना चौधरी बन्या कला गायन। श्रीमती नसीम बानो चिकनकारी वस्त्रकला।
श्रीमती गीता रॉय बर्मन कला लोक गायन। श्रीमती गीता रॉय बर्मन कला लोक गायन। श्री सर्वेश्वर बसुमतारी कृषि। श्रीमती तकदीरा बेगम वस्त्रकला। श्री जानकीलाल भांड लोककला बहरूपिया। श्री द्रोण भुइया कला लोक नृत्य। श्री रोहन बोपन्ना खेल टेनिस।
डॉक्टर नारायण चक्रवर्ती विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। डॉक्टर सी आर चंद्रशेखर मनोचिकित्सा। प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी कृषि विज्ञान। श्री आर एन जो डिक्रूज साहित्य एवं शिक्षा। श्री गुलाम नबी दार कला काष्ठ नकाशी। श्री चित्तरंजन देववर्मा अध्यात्म। डॉक्टर प्रेमा धनराज चिकित्सा। डॉक्टर मनोहर कृष्ण डोले नेत्र चिकित्सा।
डॉक्टर महावीर सिंह गुड्डू, कला लोक गायन। डॉक्टर यजदी एम इटालिया, चिकित्सा सिकल सेल। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर जहीर इसहाक काजी, साहित्य एवं शिक्षा। श्री दासरी कोंडप्पा, कला बुरा बिना। श्रीमती यानुंग जमोह लेगो, हर्बल कृषि। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, खेल दिव्यांग तैराकी।
श्रीमती पूर्णिमा महतो, खेल तीरंदाजी कुवच। श्री दुखू माझी, समाज सेवा। श्री हेमचंद मांझी, चिकित्सा आयुष। पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र मरणोपरांत कला हिंदुस्तानी संगीत, उनके पुत्र डॉक्टर रामेंद्र कुमार मिश्र। श्रीमती कल्पना मोरपारिया, व्यापार एवं उद्योग। श्री ससिंद्रन मुथुवेल, लोक कार्य।
श्रीमती किरण नादर कला संग्रहण। श्री नारायणन ईपी कला लोक नृत्य। डॉक्टर हरि ओम कृषि विज्ञान। श्री सनातन रुद्रपाल मूर्तिकला। डॉक्टर राजेश श्याम पारीख चिकित्सा होम्योपैथी। डॉक्टर श्री विनोद कुमार पसायत कला लोक गीत लेखन।
श्रीमती शांति देवी और श्री शिवन पासवान मिथिला चित्रकला। श्रीमती शांति देवी, श्री शिवन पासवान, प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी, साहित्य एवं शिक्षा। कुमारी निर्मल ऋषि, कला पंजाबी सिनेमा। श्री गद्दाम समैया, लोक कला यक्षगान। श्री मच्छीहान सासा, शिल्पकला पॉटरी। श्री गोदावरी सिंह, कला काष्ठ हस्तशिल्प।
श्री गुरविंदर सिंह समाज सेवा, श्री हरबिंदर सिंह खेल हॉकी कोच, श्री शेषमपट्टी तीरंतगिरी शिवलिंगम कला नादस्वरम संगीत, श्री केतावत सोमलाल साहित्य एवं शिक्षा, श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव कला लोक गायन, गुरु गोपीनाथ स्वाई कला भजन गायन,
डॉक्टर माया टंडन समाज सेवा। पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तैलंग मरणोपरांत कला हिंदुस्तानी गायन, उनके पुत्र श्री रविशंकर भट्ट तैलंग। डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी कला कॉमेडी। श्री बाबूराम यादव शिल्पकला मेटल क्राफ्ट। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो इस अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।
राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का पहला चरण अब संपन्न हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, पद्म पुरस्कार प्रदान करने के उपरांत दरबार हॉल से प्रस्थान कर रही हैं। उम्मीद यही है कि आज अलंकृत किए जाने वाले व्यक्ति न केवल स्वयं प्रेरित होते रहेंगे इन अलंकरणों। तो पद्म पुरस्कार से जुड़ी ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे राष्ट्रपति भवन से। आपको बता दें कि यहां